आलू मतलब अगर यही खेत बालू मिट्टी का होता तो इतने पानी से इसमें नुकसान ना होता। अभी लग रहा है कि इस खेत में जो मिट्टी है वो मोटी मिट्टी है और इस पानी को सही से खपत ना कर पा रही है, इसलिए इस आलू को ना, इस खेत के किसान का कहना है कि इस आलू को वो दोबारा से अभी जब इसमें थोड़ा नमी टाइप की आ जाएगी, मतलब थोड़ा और इसको टाइट हो जाएगा धूप निकलने के बाद में, तब इसको ये जो आप ये देख रहे हैं ये जो आलू की मेड़ वगैरह बनाई गई हैं इनको ये दोबारा से सही करेंगे और आलू दोबारा से सही से उग पाएगा, इनका कहना है। तो आप लोग देख पा रहे हो, आप लोगों को मैं बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ कि आलू के खेतों में बिल्कुल पूरा पूरा पानी भरा हुआ है। और ये क्या है कि खोदना एक भैया गुला गिरा, इस जगह पे अभी कोई पौधा नहीं दिख रहा है, फिर भी इसको खोद के देखा जा रहा है कि यहाँ कहाँ आलू है, सड़ा है या नहीं है। तो अभी देख सकते हो आप लोग, इतनी जगह में तो आलू नहीं मिला है, आलू सड़ी है, हमने तो बताया सड़ गया। हाँ, ये देखो ये देखो बिल्कुल, ये मतलब आप लोगों को लाइव दिखाया जा रहा है, ये दो जगह निकाला गया है और आलू यहाँ पे सड़ गया है, मतलब हमें लग रहा है जितना जम गया उतना जम गया, बाद बाकी तो सड़ गया ना। इधर भी देखो जरा, ये सब बारिश की वजह से नुकसान है, ये भी देखो सड़ गया है और ये बिल्कुल मतलब नुकसान ही हो गया एक तरीका का। वाह भैया कछु ना है। तो ये क्या है आप लोग देख पा रहे हो, ये अब हमें लग रहा चढ़ाने से भी नहीं आएगा ना, मतलब जब आलू सड़ गया तो जमेगा नहीं, तो केवल खेत खेत बचा है और ये सब बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। छिबरामऊ क्षेत्र में जितनी भी अगौती आलू की फसल की गई थी उसमें सब बिल्कुल नुकसान हो गया है और आलू बिल्कुल आप लोगों के सामने भी दिखाया था कि आलू बिल्कुल सड़ चुका है। अच्छा हमें लग रहा है अगर इसको अब कुछ हो नहीं सकता ना, कछु ना है, कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा ऐसा तो नहीं है अब इसको दोबारा बुवाई करी जाएगी, मतलब इसको जोत जात के दोबारा आलू की बुवाई कर दो? दोबारा ये अब तो मतलब 15-20 दिन तो लेट हो ही गया वैसे भी, ये नहीं सड़ा। अरे बहु ऊपर रखो, जो ऊपर है ना खुली हो, बहु ऊपर है ना, बहुत बढ़िया, आओ कोई मत ही नहीं जमो है वो ऊपर ही आलू है। हमने पहले बता दिया आलू हम सब सड़ चुको, हमने तुरंत बताया। तो आपके क्षेत्र में कब से बारिश हो रही है? छिबरामऊ क्षेत्र में 2-3 दिन से बराबर रात वर्षा हो रही है, सभी आलू में मतलब नुकसान तो सभी आलू में है, अब एक दो नहीं जितने भी गड़ गए हैं सभी आलू में। आपके कहने का मतलब ये है जितने भी अगौती आलू फसल की थी उनका क्या हुआ है? वो सब में ही नुकसान है, उन सबका नुकसान हो गया है। अच्छा आपने ये अभी हमने आलू दिखाया है किसानों को, इसका क्या कहना चाहेंगे? इसका तो हम देख रहे हैं पूरा का पूरा खेत सड़ गया है अंदर आलू, इसका नुकसान हुआ पूरा खेत में? पूरा खेत में नुकसान है। अच्छा जितने जितने भी अगौती जितने भी गड़े हुए हैं अगौती आलू में सभी में नुकसान, सभी में नुकसान हुआ है पेल के मतलब। अच्छा अच्छा बारिश कई दिन से हो रही है? 2-3 दिन से हो रही है बराबर। अच्छा तो यहाँ पे जो बुआई की जाती है आलू की वैसी पक्की या कच्ची सीजन, तो उसका क्या स्टेटस है? अब उसका स्टेटस क्या है, लमसम 15 दिन से पहले नहीं गड़ पाएगा। 15 दिन के लिए रुक गई भाई? 15 दिन के लिए रुक, मतलब इतना ढीला पड़ गया 15 दिन के लिए रुक गई। 15 दिन के लिए जब तक खेत नहीं जुते जाएंगे तब तक तो बंद ही समझो, मतलब 15 दिन तक के लिए बंद हो गया है ये सब हिसाब किताब। अच्छा आलू का भविष्य कैसा लग रहा है कि क्या होगा आलू में, मतलब अब पहले से बुवाई ज़्यादा की जाएगी या कम? बुवाई उतनी होगी, बुवाई उतनी होगी जितनी होती थी। अच्छा आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहोगे? किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे मौसम देख के ही बुवाई करना, नहीं तो नुकसान। आपके कहने का मतलब ये है कि किसान भाइयों को आलू जो अपनी बुवाई करना चाहिए वो मौसम देख के करना चाहिए। अच्छा क्या लगता है अभी और बारिश होगी? अभी कोई पता नहीं है, अभी कोई पता नहीं कितनी क्या हो जाए, आपका तो नुकसान बहुत सारा हो गया ना। गर्मी तो आज भी है, गर्मी क्या है नहीं आज। तो आप मतलब क्या इसमें दोबारा से जुताई करोगे इस आलू की पूरा? बिल्कुल। और फिर दोबारा से आलू की बुवाई करोगे? फिर बुवाई होगी।